स्वतंत्र भारत में वे दो बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। 1977 से 1979 के बीच गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रहे, और फिर वो समय आया जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देश के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। तब इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई ने उन्हें बाहर से समर्थन दिया था। वही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के यशवंत राव चव्हाण उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। हालांकि सदन में बहुमत साबित करने से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया। सिंह ने तब स्पष्ट कहा था कि भले ही उनकी सरकार चली जाए, लेकिन वह इंदिरा गांधी की कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। जब पत्रकार के सवाल पर गुस्साए चरण सिंह मोरारजी देसाई की कैबिनेट में कानून मंत्री बने शांति भूषण ने अपनी आत्मकथा कोटिंग डेस्टिनी में लिखा है, 1978 में हर तरफ यह चर्चा आम थी कि चौधरी चरण सिंह सरकार का तख्ता पलट करने वाले हैं। उन दिनों चुनाव सुधार पर गठित एक मंत्रिमंडलीय समिति में चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, प्रताप चंद्र चुंद्र और वो खुद सदस्य थे। इस समिति की बैठक के बाद एक दिलचस्प किस्सा वो लिखते हैं कि सिंह से एक पत्रकार ने पूछ लिया कि क्या आप पीएम बनने के लिए उत्सुक हैं, तो सिंह को गुस्सा आ गया था। उन्होंने पत्रकार पर ही गुस्सा उतार दिया। सिंह ने कहा, पीएम बनने की इच्छा रखने में क्या बुराई है? क्या तुम एक अच्छे अखबार के संपादक नहीं बनना चाहोगे? अगर नहीं तो तुम्हारा जीवन ही निरर्थक है। हालांकि उन्होंने सफाई दी थी कि वे मोरारजी देसाई को उनके पद से हटाने की साजिश नहीं रच रहे हैं। इंदिरा से समर्थन लिया तो हुई आलोचना। चरण सिंह भी इंदिरा गांधी के लगाए गए आपातकाल के विरोध में थे और इस दिशा में सरकार से कार्रवाई चाहते थे। जिस इंदिरा के खिलाफ नारा देकर उन्होंने चुनाव लड़ा, उन्हीं के समर्थन से जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी खूब आलोचना हुई। समाजवादी पार्टियों का भी उन्हें समर्थन था। लालू यादव की बायोग्राफी में लिखा है कि जनता पार्टी टूट गई थी। पहला जनता प्रयोग विफल हो गया और इससे जयप्रकाश नारायण के सपने को झटका लगा। जिस व्यक्ति का हमने दिल और आत्मा से विरोध किया, इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस ने नाटकीय ढंग से सत्ता में वापसी कर ली। इस बीच अक्टूबर 1979 में जेपी का निधन भी हो गया। चौधरी चरण सिंह के पीएम बनने के समय हिम्मत नाम की मैगजीन में यह खबर छपी थी कि इंदिरा गांधी मध्यावधि चुनाव चाहती है और इससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। चरण सिंह के पीएम बनने से उन्हें फायदा मिलेगा और हो सकता है कि सिंह की सरकार 2-3 महीने भी न टिक पाए। हुआ भी ऐसा ही। 1 महीने के भीतर ही कांग्रेस आई ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह भी पहले से जानते थे कि ऐसा होगा, बस उन्हें प्रधानमंत्री बनना था और इंदिरा गांधी चुनाव चाहती थी और इसीलिए उन्होंने चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया था। एल कांग्रेस को मिलाकर भी चरण सिंह के पास सरकार बनाने लायक सांसद नहीं थे, लेकिन राष्ट्रपति इंदिरा गांधी का बनाया हुआ था, इसलिए 20-25 नाम जगजीवन राम गुट के डाल दिए थे और राष्ट्रपति ने लिस्ट को मानकर चरण सिंह को शपथ दिला दी, क्योंकि मकसद तो मध्यावधि चुनाव था।